क्या आप इंग्लिश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। कुछ दिन हुआ, जुलाई 1 से मैं ज्वाइन हुई यहाँ पर, और यहाँ पर दिन याद के लिए ज्वाइन हुई मैं। यहाँ पर 15-20 दिन से मैं काम कर रही हूँ। 2 दिन पहले मेरे को मैडम यहाँ के प्रिंसिपल बोले कि बुरखा जीनियर की टीचर क्यों पहनती है। तो मैं बोली मैं जूनियर की टीचर हूँ, अगर मैं बुरखा नहीं पहनूंगी तो बच्चे मेरे से क्या सीखेंगे, और मेरे को देख के कुछ तो लोगों के पर असर हो जाएगा इसीलिए। और वैसे भी जूनियर टीचर कोई स्कूल में मेरे ख्याल में ये बुरखा उतारते नहीं। तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई तुम सब नहीं पहनते तो आप पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भी नहीं पहनते। तो मैं बोली अब एक नॉन मुस्लिम है, वो क्या समझेंगे पर्दे के बारे में, उसको क्या समझाएंगे, अपन बोलना बेकार है। इसीलिए मैं क्या करी, सेक्रेटरी से कहा, साहब के पास गई, डायरेक्ट जाके बोली कि सर आप समझदार हैं, आप मुसलमान हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आज रेखा मैम जो प्रिंसिपल है मेरे को मिले और मेरे को ये बुरखा उतारने को बोले। मैं ये नहीं कर सकती, और मेरे को घर में अलाउ भी नहीं करते, और मैं दुनिया की टीचर हूँ इसीलिए मैं बुरखा नहीं उतार सकती। तो सर बोले, सेक्रेटरी साहब बोले कि ठीक है, मैं रेखा मैडम से बात करता हूँ, प्रिंसिपल से बात करता हूँ, आप इंशाल्लाह पढ़ाने से शुरू कर दो। उसके बाद दूसरे दिन क्या करें रेखा मैडम, फिर मेरे को बुरखा पे देख के फौरी ऑफिस बुलाए और मेरे को बोल दिया कि परसों से नहीं आना आपको, मंडे से नहीं आना। बस तो क्यों नहीं नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, बस नहीं आना। बाद में पता चला कि नहीं वो टीचर बुरखा नको बोले थे कि नहीं, इसीलिए हम लोग उनको निकाल दे रहे। आपको आपकी तरफ से कोई मेरे पूरे स्टाफ से भी पूछ ले सकते हैं, बच्चों से पूछ ले सकते हैं, पेरेंट्स से भी पूछ ले सकते हैं कि ना ये मेरी यहाँ पर कोई गलती है, ना पढ़ाने में कोई गलती है, ना किसी टीचर से तरबियत में है, ना किसी टीचर से मिसबिहेव है मेरा। बस सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि बुरखा नहीं पहनी। ये क्या रीज़न हुआ बोलिए, वो भी दीनियर टीचर के साथ। नहीं वो तो बता रहे थे कि कुछ अपॉइंट करने से पहले हम लोग, अपॉइंट करने से पहले कुछ भी बात नहीं हुई। सिर्फ मेरे को तो इतना ख्याल है कि यहाँ पर के लोग अक्लमंद है और उसको बोलना नहीं चाहिए कि बुरखा दीनियर टीचर है, हम बुरखे पे रहते, ऐसा हम आपको बोलना ज़रूरी नहीं समझे। नहीं मालूम कि यहाँ पर बेवकूफ रहते, कि यहाँ पर बोलना था कि मैं आने से पहले कि मैं बुरखा पहन के आती हूँ। नहीं आपके स्टाफ में और कोई दूसरे टीचर बुरखा पहन के क्लास लेते? जी नहीं नहीं लेते, सिर्फ दीनियर टीचर। और इससे पहले भी यही स्कूल के 2 टीचर्स थे जो दीनियर, वो बुरखे पे नोज पीस पे पढ़ाते थे, लेकिन मैं तो फेस पीस निकाल लेती, लेकिन बुरखे पे रहती हूँ और बच्चे से भी पूछ ले सकते मैं बुरखे पे पढ़ाती हूँ। और ये लोग बुरे ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे देते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने मुझ पर, क्योंकि मैं बुरखे के बारे में बोल रही हूँ और ये लोगों का नाम बदनाम हो रहा, इसीलिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा पैसों का, या जो भी अलग अलग उन लोग बातें कर रहे हैं ये सब झूठ है। सिर्फ और सिर्फ दीनियर के टीचर को बुरखा उतारने पर मजबूर करें और उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा, बल्कि लोग मेरे ऊपर तरह तरह की बातें करें। मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। नहीं ये वजह कब से हो रहा है, ये हैरासमेंट कब से हो रहा है? ये हैरासमेंट मैनेजमेंट जब से चेंज हुआ जब से चल रहा है। मैंने कितना टाइम हुआ है? 6-7 months हो गए। 6-7 months आप लोग यहाँ, इससे पहले कभी? आप कितने साल से यहाँ पे काम? मैं 18 साल से काम कर रही हूँ। इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं था टीचर ज्यादा प्रेशर नहीं था, ये जो इतना प्रेशर नहीं था। टीचर को निकाला गया जी, तो अब उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ज्वाइन करेंगे? हम लोग सब चाह रहे हैं, पूरे टीचर्स चाह रहे हैं कि बच्चे हिजाब में ही रह के पढ़ाए, क्यों उसको जबरदस्ती किया जा रहा कि उन्हें बुरखा उतार के पहन। तो आप लोग मैनेजमेंट डिमांड कर रहे हैं कि बच्ची को वापस लिया जाए? बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना। इससे पहले भी जो अरबी टीचर थे अब हमारे जो टीचर्स के जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या डिसीजन रहती है उस पर हम लोग पूरे अमल कर रहे हैं। दो इंसिडेंट हुए सब यहाँ पे, एक तो एक टीचर को नकाब ने वो बुरखा पहन रहे बोल के निकाल दिए, और एक टीचर के साथ उन बच्चे को कुछ ऐसा मारे बोल के पेरेंट्स आए, तो वो पेरेंट्स के साथ ज़बरदस्ती उनको रिपोर्ट करवा के पुलिस स्टेशन में, उन्होंने नहीं चाह रहे तो भी लेके जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा के टीचर को पुलिस की गाड़ी आके लेके गई, लेके जाके उनको वहाँ पे ये करे कई देर तक, तो वो लोगों को वो टीचर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और हम यहाँ पे टीचर के साथ कोई नहीं थे यहाँ पे, और उनके साथ हम जाना चाह रहे थे, टीचर के साथ हम जाना चाह रहे थे, जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग अलो नहीं करे हम लोगों को यहाँ से, क्योंकि अकेली औरत टीचर थी, हम लोग जाना चाह रहे थे, सेक्रेटरी से परमिशन लिए तो उन्होंने नहीं दिए हमारे। फिर उसके बाद फैज खान साहब से बात करें हम लोग, उन्होंने बोले फिर सेक्रेटरी साहब को साथ लेके जाओ बोले,
हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बावजूद भी क्या हो रहा था, टीचर के साथ आसानी से नहीं, ऑनलाइन हो गया, वो बुक हो गया केस, आप लोग कोर्ट को जाके ये देख लेना। अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो टीचर को निकालने के बारे में, मुस्लिम औरत की बुर्का नहीं पहनने के बारे में जो प्रोटेस्ट करेंगे, ये कब तक करेंगे, या आप लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, या हम सोच रहे हैं अभी उन हमारे को अभी रिक्वेस्ट करें कि नाम खराब ना को करो, हम नहीं कभी नहीं चाहते कि का नाम मुकरमजा स्कूल का नाम खराब ना। आज तक 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गया, आज तक हम बाहर नहीं निकले, तो हम लोग नाम कभी ख़राब करना नहीं चाह रहे, और हमारे आइंदा ऐसे इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। आपका डिमांड क्या रहेगा? अब टीचर को भी निकाला गया, लेना है टीचर को अपॉइंट करो, और अगली बार कभी भी ऐसे इंसिडेंट नहीं होना, और टीचरों को हरास नहीं करना। तो ये हर हर छोटी बात को मेमो करना, इशू करना, हर छोटी बात को टीचर्स को सस्पेंड करना, ये चीज़ा नहीं होना चाहिए। ये आप लोग रिकॉर्ड करिए, और एक बार कभी ऐसा नहीं हुए, जैसा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीज़ा नहीं होना चाहिए। हम सीएल, एक सीएल लेना बोले तो भी कई बार उनसे कई कोशिश पूछते हैं, कई के लिए कई के लिए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना हैरासमेंट कभी नहीं हुआ। कैजुअल लीव लेना हमारा हक होता, वो भी कुछ काम रहे तो लेंगे, नहीं तो बगैर कहीं खुलेंगे हम। जैसे कि ये मुकरम जाता स्कूल है, निजाम स्कूल है, इसके अंदर हिजाब जरूरी है, तो अभी यहाँ पर हिजाब की वो भी दीनी हक टीचर, ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी सेक्युलर ये है, हम हमारे पास हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिजाब निकाल के। जी जी जी, ये सही बात है, हिजाब नहीं निकालो बोलने कोई नहीं बोले, इवन हिंदू कॉलेजेस में कई टीचरान जाके हिजाब से पढ़ाते, बुरखा पहन के पढ़ा है ना, तो ऐसा क्यों? अपना स्कूल ये मुसलमान माइनॉरिटी स्कूल है, 99% के 100% भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो एक मुस्लिम औरत को आप हिजाब से पढ़ाने नहीं जा सकते, आपको बुरखा पहनने नहीं देते। दीनियत टीचर, वो भी दीनियत टीचर, वो भी कोई साइंस इंग्लिश टीचर भी नहीं होते, एक दीनियत टीचर को अपन ऐसा वो करे तो अब अपन क्या ये दे रहे हैं सोसाइटी को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं हम लोग, देना चाहिए उनको, अगर वो डिमांड नहीं माने तो हम स्ट्राइक करेंगे कंटिन्यू। हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, उन क्या बोलते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, और एक बार सोच के हम लोग इसके ऊपर डिसीजन लेने। मेरा नाम अली है।